देखो भाई लोग, ग्रुप स्टडीज का नाम पहले से ही खराब है। अब हम लोग जैसे महान इंसान रहेंगे तभी तो ग्रुप स्टडी का नाम हम लोग वापस ऊंचा कर पाएंगे। तो कुछ तो जैसे निठल्ले लोग आते हैं, ग्रुप स्टडीज का नाम खराब कर देते हैं और घर वाले बोलते हैं ग्रुप स्टडीज करें, सिंगल स्टडी तो कर नहीं पाते, ग्रुप स्टडी करेंगे। लेकिन हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, हम लोग घर वालों को नहीं सुनेंगे, लेकिन हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे। देखो जो ग्रुप स्टडीज होते हैं, ग्रुप स्टडी के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूं। पता है हम लोग को ग्रुप स्टडीज क्या होता है? पता है, छोड़ो स्टडी करो पहले। चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्टडी के बारे में बताता हूँ। जो स्टडी होते हैं ना एक्चुअली, हाँ एक ऐसी चीज है इस समय जो हम लोग करने वाले नहीं है, वैसे हालात को देखते हुए। नहीं हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे। सर बोलो हाउ द जोश। हाय सर, हाउ द जोश। सर घर वाले खाना नहीं दिए क्या? खाना नहीं खाया क्या? वापस तेज से बोलो हाउ द जोश। हाय सर, हाउ द जोश। हाय सर। चलो अब हम लोग रिविजन करने से पहले टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे क्या करना है। कल कंप्यूटर का पेपर है, हम लोग कंप्यूटर वाले सर की काट लेंगे। क्या काटनी है? कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट के सर की काटनी नहीं है, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट के सर के कट ऑफ को काटनी है। धंधे सोच वो कट ऑफ काट। वो हम लोग पास 15 घंटे हैं और 3 चैप्टर, 15 घंटे 3 चैप्टर डिवाइडेड बाई 5 घंटा 1 चैप्टर। हाँ भाई, उसके पहले 1 घंटा रेस्ट करके फिर शुरू करते हैं। एवं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए ना, मेंटली। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ सही, यस। हम लोग ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपनी पढ़ाई 2 घंटे में। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 घंटे का राउंड ऑफ करेंगे नियरली तो शायद 1.5 घंटा होना चाहिए। तुम 2 घंटा कहाँ से पढ़ रहे हो भाई? 1 घंटे का राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ही घंटा हो कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कॉपीराइट ना मारिएगा। अच्छा कितना घंटा हम लोगों का बचा? 15 माइनस 2, अब हम लोग के पास 13 घंटा बचा है। 13 घंटा डिवाइडेड बाय तो हाफ आवर में, 13 घंटे को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन बैठ नहीं रहा है। तो हम लोग 1 घंटा और रेस्ट करते हैं, फिर 12 घंटे। वही तो मैं अभी तो वही कह रहा हूँ। हाँ यार 1 घंटा और कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। 1 घंटा और, 1 घंटा, 1 घंटे पर, 1 घंटे पर हम वापस करेंगे। 1 घंटा याद रखना, 1 घंटे पर, 1 घंटे शुरू करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हम लोग को हर एक सब्जेक्ट को 4 घंटा मिलेगा। 4 घंटा हर एक चैप्टर को देंगे और फिर हम लोग पढ़ के आएंगे। चलो 1 घंटा और रेस्ट करते हैं। हाँ भाई रेस्ट कर लिए सब लोग? 1 घंटा हो गया, अब बस अब पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ो बस। वाह भाई, अब पढ़ना है यार। इसका आंसर तो गलत है। ओह नो, ये पता है परसों होली है भाई, पहले स्टडी कर लो। कल पेपर है, परसों होली है। परसों तो मैं होली के बारे में कुछ बताता हूँ। जो होली होती है ना, होली के दिन हम लोग ना, मुझे पता है होली क्या होती है, समझे कि नहीं? हमको सब कुछ पता है। तीसरी हर बार क्या होती है होली के दिन, क्या होता है मुझे बता। होली के बारे में बताओ, बोल बताओ। होली एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग 1 साल पहले से ही प्लान बनाते हैं कि होली 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 होली, 1 साल पूरा होली के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। और फिर 1 दिन पहले हम लोग जाते हैं दुकानदार के पास, कुत्ते की तरह जाते हैं और फिर घर वाले के पूरा पैसा उड़ा के रंग खरीदते, इतना रंग खरीदते, इतना रंग खरीदते, रंग खरीदते, फिर घर आते, घर आते फकीरों की तरह प्लान करते हैं कौन सा रंग किस पे डालना है। और फिर ऐसी ऐसी जगह दिल लगाते हैं जहाँ पर आप लोग सोच नहीं सकते। और फिर आखिरी साल बोलते थे मुझे होली नहीं खेलनी, होली नहीं खेलनी है, सबका मन रहता है अंदर को होली। हम मुझे होली रंग नहीं लगा रहा है, रंग नहीं लगा रहा है। अब कोई जब कोई तुमको रंग नहीं लगाता है तुम तुम्हें खुद सोचे चाहे सामने वाले को रंग लगा दे, फिर सामने वाले तुम वापस इग्नोर कर देता है, फिर तुम्हारे पूरी झल मच जाती है। होली लड़कों को भाभियों को रंग लगाने का बड़ा शौक चढ़ता है। भाभी जी भाभी जी भाभी जी होली है, जब भाभी जी को भाव नहीं देती है तो भाभी जी के देवर जी का झंड मच जाती है। यही होता है, पता क्या एक फायदा, जब आप जन्म तक नहाए नहीं जाते ना, उनका भी इतना रगड़ते कि जगन जन्म का मैल छोड़ जाता है। ऐसा होता है जिसमें लोगों की पूरी झल मच जाती है। एक बार तो मैं होली खेल के आया और मेरी मम्मी मुझे नहीं पहचान रही कि कौन हो भाई। होली एक ऐसा त्यौहार है। डेफिनेशन बोले इतनी जोन से तुम कंप्यूटर की नेटवर्क की डेफिनेशन याद किए होते ना तो कसम से कह रहे कल टॉप कर जाओगे। तो ऐसे ही भगवान का टैलेंट है, तो क्या करें। वेरी गुड।
कहीं और यूज नहीं कर पाते तो बकैती में ही यूज कर लेते हैं। यार बहुत सर दर्द हो रहा है यार, कॉफी एक कॉफी। हाँ बे यार सर दर्द हो रहा है यार कॉफी। हाँ तो सर दर्द हो रहा है तो क्या मैं कॉफी बनाऊँ? मैं तुम्हें क्या भाई लगता हूँ? बना के देता हूँ तुम्हें। कॉफी के बारे में कुछ बताते जो कॉफी होती है। मुझे कॉफी का मतलब पता है। कॉफी का मतलब होता है दूध में पतीला डाल के। अरे तुम्हारे साथ कह रहे कि इंसान लोग क्या बोले, दूध में पतीला, पतीले में दूध डाल के कॉफी डाल के उबाल के देते हैं, यही कॉफी होता है। मुझे और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अपना काम करिए कृपया। समझे कि नमस्ते। तो अब सब कॉफी वॉफी पी लिए ठीक ना, सब लोग का हो गया माइंड फ्रेश। अब पढ़े एक ही घंटा हम लोग पढ़े हैं और एक घंटे में हम लोग को दो वर्ड भी नहीं याद हुआ। अब पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ए, तुम लोग उठो, पढ़ते पढ़ते सो गए थे, दो घंटा बाकी, दो घंटे में का ऊपर उखाड़ लोगे। टाइम कितना हो, टाइम 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 दो घंटा बाकी भाई। तीन चैप्टर है, तीन चैप्टर अब तो डिवाइड करने भी नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगा। दो घंटा तुम बैठ के आराम से पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे मत पढ़ो मत। देखो जो दो घंटा होता है अपने दो घंटे के बारे में, मेरे घर वाले मुझे पीटेंगे, बोले थे ग्रुप स्टडी मत करो, सिंगर स्टडी करो। अब मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं, क्या मैं पेपर में लिख के आऊंगा? ग्रुप स्टडी का तुम लोग समझ रहे हो, जहाँ पे सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता। इसको समझना है, समझ जाएगा। समझे कि नहीं? मैं वीडियो में गाली नहीं देता क्योंकि बच्चे भी देखते हैं ना, और मैं खुद एक बच्चा हूँ। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जो होता है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में कुछ नहीं बता सकता, अब नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता देगा। ओके बाय।